हमारे यहाँ कोई नया आईआर आता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने, तो बीस के देखने के बाद सबसे पहला काम होता है दोस्तों क्लोजिंग करना। उसके बाद जब हम क्लोजिंग करते हैं तब दोस्तों जो है वो गेस्ट ज्वाइनिंग करता है, और ज्वाइनिंग करते ही उसका फर्स्ट ऑर्डर आपको लेना जरूरी होता है। और दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट ऑर्डर लेकर प्रोडक्ट देना ही काम नहीं रहता, उसके आगे दोस्तों ट्रेनिंग भी दिलाना जरूरी है। तो चलिए हम ये चारों पॉइंट को बारीकी से समझते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है इसे समझते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद गेस्ट के सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया को क्लोजिंग कहते हैं। यानी दोस्तों जो बीस से देखा, बीस से देखने के बाद उसके अंदर कुछ डाउट्स आते हैं, कोई सवाल आता है, तो उस सवाल के जवाब देने की प्रक्रिया को ही हम क्लोजिंग कहते हैं। और क्लोजिंग दो प्रकार से होती है। पहला, आप अप्लायंस से भी क्लोजिंग करा सकते हैं, और दूसरा आप खुद से भी क्लोजिंग कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो क्लोजिंग होता है वो दो तरीके से होता है, एक अप्लायंस से और दूसरा खुद से। अब दोस्तों जब हम क्लोजिंग करने लगते हैं, हमारा अप्लायंस क्लोज करता है, गेस्ट के कुछ सवाल आते हैं जो हमें उसको जवाब देने आना चाहिए क्लोजिंग के टाइम। जैसे ये सब झूठ है, यानी उसका पहला सवाल हो सकता है, ये सब झूठ है, इतना पैसा अगर इस कंपनी से मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते। दोस्तों आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, जब आप उन्हें बुलाएंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तो वो बोल सकते हैं ये सब झूठ होता है, इतना पैसा अगर इस कंपनी से मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते। तो आपको समझाने की जरूरत है, जो नौकरी करते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं, और अमीर वो बनते हैं जो रिस्क लेते हैं। जैसे टाटा दुनिया का, आप समझाइए दुनिया में अमीर लोग नौकरी करके है या बिजनेस करके, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं वही लोग अमीर बनते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, और नौकरी करने वाले कभी बड़ा पैसा नहीं कमाते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। उनको उदाहरण से समझा सकते हैं, टाटा साहब को लेकर, बजाज जी को लेकर, बिल गेट्स जी को लेकर, या उदाहरण से आप राम बजाज की कहानी को आप उससे डायरी पेन पे लिख के समझा सकते हैं, और उनको आप बता सकते हैं सो लोग अमीर कैसे बनते हैं। और ये सब लोग जो अमीर बने हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, इस बात को आप बड़े बारीकी से समझाएंगे। अब अगला सवाल हो सकता है, ये सब कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। देखिए बहुत सारे सवाल करते हैं इस बात को, अरे ऐसे कंपनी बहुत देखा, बहुत दिनों तक नहीं चलती है, ये वो बहुत कुछ। तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब देना ये समझना जरूरी। तो दोस्तों उनको बताने की जरूरत है से FMCG प्रोडक्ट है, जब तक लोग स्नान करेंगे कपड़े धोएंगे तब तक कंपनी चलती रहेगी। यानी दोस्तों उनको समझाने की जरूरत है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स तो रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, जो सुबह से लेकर तक बहुत इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करता है, खत्म करता है, फिर खरीदता है, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं FMCG प्रोडक्ट। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या लोग स्नान करना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। और जब स्नान करना बंद नहीं करेंगे इसका मतलब साबुन यूज करेंगे, शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, खेती करेंगे तो कहीं दोस्तों उर्वरक खेत में जरूर डालेंगे, कपड़े धोएंगे तो ऑक्सीडाइज माइक्रोवॉश जरूर इस्तेमाल करेंगे। यही सारे प्रोडक्ट जो है जिसे हम दोस्तों FMCG के नाम से जान, उन्हें आप उदाहरण से समझा सकते हैं।
रही है हमारी? आवाज आ रहा है? सुपर। तो दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूं समझ में आ रहा है पूरा? क्लियर क्लियर जी, अति सुंदर। ऐसे आप हाथ उठा के दिया जवाब देंगे तो मुझे समझ में आएगा आप हमारे बातों को सुन पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, एक गेस्ट जब सवाल करता है तो उससे कैसे क्लोजिंग किया जाता है और उसके सवाल के जवाब कैसे दिए जाते हैं, मैं अभी आपको यही समझा रहा था। तो चलिए फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप उन्हें ये बात को समझा सकते हैं जब आपका गेस्ट इस तरह से सवाल करता है। तो अगला सवाल आपका गेस्ट कर सकता है, इसमें सभी लोग पैसा नहीं कमाते, तो आप उनको समझा सकते हैं तो दुनिया में कौन ऐसा काम नहीं है, यानी काम नहीं है जिसमें 100% लोग सफल हो, यानी दुनिया का कोई एकाध काम बता दीजिए जहां पे सभी के सभी लोग सक्सेस हैं। यदि जरा सोचिए, यदि स्कूल है कॉलेज है तो क्या लगता है सबके सब पास हो जाते हैं, सबके सब टॉपर कर जाते हैं? जी नहीं, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग टॉपर करते हैं तो कुछ लोग उसी में से फेल भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा होता है, आपका कहना मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग फेल ही होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पास हैं। आप उन्हें अपने सीनियर को एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, फिर भी आप यहाँ से घर का राशन के बजट को कम कर सकते हैं। यदि नहीं वो समझ रहा है तो आप इस बात को बोल के आप उन्हें अगले चीजों को समझा सकते हैं। अगला सवाल आपका गेस्ट कर सकता है, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। यदि ऐसा कोई सवाल करता है तो उसे आप समझाएं, तो इस बिजनेस में वो हर व्यक्ति सफल हो सकता है तो दो बातों के लिए हमेशा तैयार रहे। कौन कौन सी बातें वो दो है? पहला, सीखने के लिए तैयार होनी चाहिए, और दूसरा, जो सीखा है उस पर मेहनत करने के लिए वो बंदा तैयार हो जाए। यकीन मानिए यदि ये दो चीज के लिए कोई यहाँ पे तैयार हो जाए तो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। जैसे उसे एग्जाम्पल समझा सकते हैं, यदि जो बच्चा पढ़ेगा वो पास होगा, अब जो पढ़ेगा नहीं वो पास कहां से होगा? वैसे ही पंखा चलेगा तो हवा देगा, उसी तरह अगर आप भी सीखेंगे और मेहनत करेंगे तो आप इस बिजनेस में LDD और CED जरूर बनेंगे, इस बात की गारंटी। आप उन्हें दोस्तों बड़े स्पष्ट तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करें जो आपके गेस्ट आपके सवाल करते हैं। अगला सवाल उनका हो सकता है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो अनपढ़ हैं, तो आप उन्हें समझाएं, भैया चलिए मैं मानता हूं आप अनपढ़ हैं, फिर भी आप इस जगह से कामयाब हो सकते हैं। उनको आप बताएं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाने आता था? सवाल था नहीं, उनका सवाल था क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाने आता था? नहीं। क्या आपको पहले दिन मोबाइल के सारे फीचर पता था? नहीं। क्या आपको पहले दिन से साइकिल चलानी आती थी? नहीं। तो ये सब के लिए क्या किया आपने? सीखा। सीखने के बाद आज आप अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल का बहुत सारे फीचर पता है, और सीखने के बाद आज अच्छे से साइकिल चला लेते हैं। तो सीखने के बाद यकीन मानिए ये काम भी बहुत आसान है, पढ़े लिखे और अनपढ़ से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सीखने की जरूरत है। और यदि अनपढ़ की बात जहां तक है तो आज हमारे कंपनी के जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर, सुभद्रा दीदी, संजय यादव, हम आपके पास, ये वो लोग हैं जो दोस्तों ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज ये लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं। यकीन मानिए हम आपके साथ में हैं,
हम आपको सिखाएंगे और हम आपको कामयाब करेंगे। आप उन्हें दोस्तों प्यार से समझाने की कोशिश करें, यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला सवाल होगा, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अकेले घर में आदमी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, भैया हम इस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम घर के अकेला आदमी हैं। तो दोस्तों आप उन्हें समझाएं, लोग अपना परिवार छोड़कर दिल्ली, पंजाब और विदेश चले जाते हैं। उनको बताएं, सभिया क्या बात कर रहे हैं, अरे लोग तो भैया अपना परिवार छोड़ छोड़ कर कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब और विदेश तक चले जाते हैं, हमें तो परिवार के साथ रह के कुछ दिन के कुछ रहकर दिन में कुछ घंटे ही देना है। आपको अपने पुराने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, ऐसा काम पहले बहुत लोग किए लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उन्हें समझा सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो क्या लगता है उस कॉलेज में नए लोग एडमिशन नहीं लेते हैं? लेते हैं, फिर क्यों भाई, वहां से तो लोग फेल हुए थे, फिर क्यों नए एडमिशन लेते हैं? उनसे पूछें, वो इसीलिए उस कॉलेज में फिर नए एडमिशन लेते हैं, आते हैं क्योंकि कॉलेज और टीचर स्टूडेंट को फेल होने का रीजन नहीं है। फेल होने का रीजन कौन सी है, वो खुद अपना कहीं ना कहीं सही ढंग से पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए वो फेल हुआ है। अगर आपके मोहल्ले में किसी की दुकान में घाटा होता है तो क्या मोहल्ले में कोई दूसरी दुकान नहीं खुलती है? खुलती है, क्यों? क्योंकि उसका चलाने का एक्सपीरियंस अलग था, ये एक अलग एक्सपीरियंस से चलाएगा, बिल्कुल खुलता है। तो उसी तरीके से आप उनको समझाएं, आपका सफल या असफल हो सकता है, का काम हम नहीं करेंगे, हमको रोज का काम करना है, हमें रोज का काम चाहिए। तो उनको बोलिए, ज्यादा खुशी कौन है, पूछिए उनसे, ज्यादा खुशी कौन है, ज्यादा सुखी कौन है, ज्यादा खुश कौन है, रोज कमाने वाला या महीने कमाने वाला? आप थोड़ा बताइए, वो खुद बताएगा। फिर भी उनको बताइए, सर हमारे पास आपके लिए दोनों विकल्प है, पहला आप रोज कमाना चाहते तो रिटेल प्रॉफिट से कमा सकते हैं, और दूसरा यदि महीना में भी कमाना चाहते तो हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस है, तो आप परफॉर्मेंस बोनस से रोज कमा महीने में कमा सकते हैं। अगला सवाल हो सकता है, ऐसे काम में जो पहले कामयाब हो गए लेकिन अब जो काम करेंगे उनका कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम से निगेटिव हैं। बहुत सारे लोग का ये दोस्तों सवाल हो सकता है, तो आप उनको समझाएं, उनको बताएं आप सब पहले की अपेक्षा आज के लोगों को कामयाब होना ज्यादा आसान है। वो बोलेंगे कैसे, तो उनको बताएं, हमारे पास जब शुरू थे तो शुरू में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट का ज्यादा रेंज नहीं था, लेकिन आज हमारे पास प्रोडक्ट का अलग अलग रेंज है, जैसे गैलवेदा रेंज है, क्रिशम है, न्यूट्रीफ्लो है, रूपाभम है, सिरिगुनम है, कैल्किम है, क्रिशोरियम है, दंतुरम है, ऐसे आज अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट का रेंज है, यानी प्रोडक्टों का भंडार है। प्लान में आपको 10 से ज्यादा तरीके से आपको इनकम करने का रास्ता दिया जाता है। हमारे पास सिस्टम है, गेलवे कार्ड है, गेलवे ऐप है, बीटी ऐप है। दुनिया के किसी भी काम में 100% कामयाब नहीं होते, सफल असफल लोग जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, यही सबसे माइनस पॉइंट है। यदि जो लोग सक्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आज दोस्तों कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी खुद लेते हैं, लेकिन जो असफल होते हैं दोस्तों वो खुद के जिम्मेदार नहीं मानते,
तो ऐसी बात नहीं है सर, जो आ जाएगा वो कामयाब नहीं होगा, आ जाएगा तो आसान हो गया सिस्टम, बहुत बढ़िया से कामयाब हो जाएगा। अगला सवाल उनका हो सकता है, आपके हिसाब से तो ये काम बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन बाहर में लोग कंपनी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, जैसे गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप उन्हें समझाएं इस सवाल को। कामयाब व्यक्ति के पास जवाब होता है और नाकामयाब व्यक्ति के पास बहाना होता है। उदाहरण से आप समझाएं, स्कूल में जो पास हो गया उसके लिए स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, वहां के लोग अच्छे हैं, और जो फेल हो जाता है उससे पूछिए, वो बताएंगे अरे यार स्कूल बहुत खराब है, टीचर ध्यान नहीं देते हैं, टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं है। बात एक ही, स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, लेकिन जो पास हो गया उसके लिए अच्छा है और जो फेल हो गया उसके लिए बुरा है। ठीक उसी प्रकार इस कंपनी में भी जो पास है, जो कामयाब है, वो आज उनके लिए कंपनी बहुत अच्छा है, और जो फेल हो गए उनके लिए कंपनी खराब है। अपना अपना तरीका है भैया, कामयाब लोग के पास जवाब होता है, ना कामयाब लोग के पास बस बहाना होता है। अगला सवाल, हमको टीम बनाना या सामान बेचना नहीं आता। उनको बोले कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे से यहाँ पे कैसे टीम बनाया जाता है। उन्हें एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, वो मोबाइल वाली बातें, सब पहले दिन मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज अच्छे से आप मोबाइल चला लेते हैं, उससे मोबाइल का फ्यूचर पता है। आपको साइकिल शुरू दिन नहीं चलाने आता था, लेकिन आज साइकिल अच्छा सा चला लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सीखा। तो हम यहाँ पे आपके साथ में हैं, हम आपको सिखाएंगे और हम आपको बताएंगे से कैसे टीम बनेगा और कैसे सामान बेचा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे कंपनी में आए, जैसे जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर, सुभद्रा दीदी, संजय यादव सर, ये वो लोग हैं जिनको भी टीम बनाने और सामान बेचने नहीं आता था, लेकिन आज इन्होंने टीम बनाकर आज इतनी बड़ी टीम खड़ा कर दी है, जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं और आज दोस्तों करोड़पति अरबपति। उन्हें इस बात को अच्छे से समझाने की जरूरत है। अगला सवाल हो सकता है, यहाँ कामयाब होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि आप सेलिंग में बता रहे थे, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 5 महीने में 50,000 कमाने लगेंगे, तो ये बात का जवाब आपको देने आना चाहिए। ये आपके रफ्तार पर निर्भर करता है। सुबह पार्क में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक बैठकर देखने वाले लोग होते हैं, दूसरे उस पार्क में सिर्फ टहलते हैं, और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो दौड़ते हैं। उनको आप दूसरे एग्जाम्पल से दे सकते हैं, कि आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, तो अब डिपेंड आप पे करता है सर, दिल्ली आप किस मार्ग से जाना चाह रहे हैं, किस साधन से जाना चाह रहे हैं। यदि आप पहले दिन लग साइकिल जाएंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, बस से जाएंगे तो उससे और कम टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो उससे और टाइम लगेगा, फ्लाइट से जाएंगे तो जल्दी आपको कामयाब होना और ना होना यह आपके रफ्तार पे डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। सवाल हो सकता है, हमको काम अच्छा लगा लेकिन हम घर से गार्जियन, घर में गार्जियन से पूछ कर करेंगे। सवाल उनसे लेना है जिनको उस बिजनेस, यानी उनको बताने से सलाह उनसे लेना है जिनको उस विषय की जानकारी हो। यदि सोचिए, यदि आपको डॉक्टर बनना है और यदि आप हलवाई से सलाह लेंगे तो क्या वो कभी आपको सही सलाह दे सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हलवाई कभी डॉक्टर के काम किया नहीं है और डॉक्टर के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, तो उसको जितना समझ होगा वो उतना ही बताएगा। इसलिए यदि आप डॉक्टर है डॉक्टर से लीजिए, उन्हें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई मूवी देखने गए और उस मूवी को देखने में आपको 2.5 से 3 घंटा लगा, अब जरा सोचिए आप देख कर आए और आपके दोस्त लोग गांव के पूछे, भाई तू आज दिख नहीं रहा था, गया कहां था? आपने बोला भाई मैं तो मूवी देखने गया था,
बड़ा मजा आ गया। आपके दोस्त लोगों ने पूछना शुरू किया, भैया मूवी कैसा था? अब जरा सोचिए, 2.5 से 3 घंटे का मूवी आप उस दोस्तों के पास कितने टाइम में बताएंगे? मुश्किल से 2-2.5 मिनट में। कितना जितना आपको मजा आया था मूवी देखकर और जितना आप समझ पाए थे, क्या उतना दोस्त लोग समझ पाएंगे? जवाब है नहीं। तो उनको समझाइए, यहां पे जो आप समझ पा रहे वो आपके घर वालों को आप उतना टाइम तक समझा नहीं पाएंगे और वैसे समझा नहीं पाएंगे। यदि सलाह लेना ही है तो ऐसा कीजिए, अपने घर वाले को दूसरे दिन लेके आइए, उनको भी हम समझाएंगे और दोनों फिर एक साथ तीनों हम लोग बात कर लेंगे। तो दोस्त, क्लोजिंग करने का आपके पास आए। अब अगला सवाल है, सोच कर बताएंगे। आप उनको बोले ठीक है, आप सोच कर बताइएगा और उनको आरामदायक माहौल में रखिए और उनके साथ फॉलो अप में आपको हमेशा रहना है, ताकि वो इंसान कोई भी सवाल करे तो आप उसको सही से जवाब देकर आप गेस्ट में यानी सेल को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आप पूरे सवाल के जवाब को अच्छे से समझ गए होंगे, से कैसे सवाल के जवाब आपको देना है। अब मान लीजिए आपने सारे सवाल का जवाब दिया और वो बंदा रेडी हो गया और आपके क्लोजिंग पे खुश हो गया, यार चलो ठीक है करके देखते हैं, करना है मुझे काम। अब वो करने के लिए रेडी होता है तो बात आता है दोस्तों गेस्ट की ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग कराते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान देना होगा। दोस्तों आज आपको मालूम है गेस्ट को ज्वाइनिंग ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन करते वक्त आपको कौन सी बात ध्यान देना, किन किन बातों पे ध्यान देना, ये हमें समझना जरूरी है। अब दोस्तों आप जो है से एक गेस्ट को कैसे बिजनेस शुरू करा सकते हैं, तो बिजनेस शुरू कराने का आसान प्लेटफॉर्म है पहला गेलवे एप्स या गेलवे वेबसाइट। आप अपनी केवाईसी एवं पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर कर सकते हैं। हेल्प सेक्शन में जाकर ज्वाइनिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है सर कैसे हम गेलवे एप्स या वेबसाइट से करेंगे, तो उस वीडियो में दोस्तों आपको बताया गया है। अब अगले ध्यान देना है सर, ज्वाइन के समय हमें और किन किन बातों पे ध्यान दे रहा है जब हम गेस्ट को ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। एंड्रॉइड फोन क्यों, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, जिसमें इंटरनेट यानी MB यानी डाटा होना चाहिए, वेबसाइट एंड एप्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों जरा सोचिए, इंटरनेट किस में होगा, वेबसाइट किस में चलेगा, एप्स किस में चलेगा, जो एक कहीं के एंड्रॉइड मोबाइल होगा, इसलिए एंड्रॉइड मोबाइल का होना अनिवार्य है। KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट या आधार कार्ड या डिलीवरी लाइसेंस या वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड या बैंक का पासबुक या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, कहीं ना कहीं दोस्तों KYC डॉक्यूमेंट इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, आप वैसे लोग को ही इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिनका उम्र कम से कम दोस्तों 18 हो, यानी गेस्ट का उम्र 18 साल नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा। गेस्ट के पास मोबाइल नंबर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखे। अब सिंपल है, मोबाइल होगा तो मोबाइल नंबर भी होगा, यदि उसका ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी आप उसमें डालें, बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल चला रहा है एंड्रॉइड तो कहीं ना कहीं ईमेल आईडी होगा ही होगा, तो उसका ईमेल आईडी भी डालें। गेस्ट का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट किस लिए, ताकि जो उसका इंसेंटिव बने, जो उसका चेक बने, उसको अकाउंट में डलता चला जाए, ताकि उसको विश्वास और भी ज्यादा हो जाए और वो अपना कमाया हुआ पैसा भी ले सके। गेस्ट को गेलवे ऐप डाउनलोड करवाना चाहिए, ताकि वो गेलवे ऐप के बारे में अच्छे से जान सके, ताकि वो अपना सारा बिजनेस रिकॉर्डिंग वो गेलवे ऐप पे कर सकता है। अब मान लीजिए आपने उसको ज्वाइनिंग करा दी, अब बात आता है दोस्तों उसका फर्स्ट परचेज यानी फर्स्ट ऑर्डर लेने का। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे लेना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं गेलवे कार्ड से आप कर सकते हैं, पहला तो ऑनलाइन घर बैठे गेलवे कार्ड से कर सकते हैं, या दूसरा ऑफलाइन से कर सकते हैं, ऑफलाइन में जैसे गेलवे शॉप या फ्रेंचाइजी से। ऑनलाइन ऑर्डर देने से संबंधित जैसे गेलवे कार्ड ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है, ऑर्डर कैसे करना है, अपना ऑर्डर को कैसे ट्रैक करना है,
इत्यादि ये सब जानकारी दोस्तों गेलवे कार्ड वेबसाइट पर जाकर हेल्प सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर के बाद, गेलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद फर्स्ट ऑर्डर लेते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहली चीज ध्यान इस बात को रखना चाहिए तो गेस्ट के मोबाइल में गेलवे कार्ड ऐप अपलोड करवाना है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑर्डर करवाते समय डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत का ही सामान ऑर्डर करवाएं, पीबी पे ना जाए। इस बात का ध्यान रखें जो डिस्ट्रीब्यूटर के घर की जरूरत हो उसी प्रोडक्ट को उसको आप नीट पैदा करें और उसे दोस्तों आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, पीबी के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर ना करें। इस बात का ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट की जरूरत के अनुसार उसकी जिज्ञासा जगानी चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूटर की फैमिली के हिसाब से प्रोडक्ट का जरूरत तैयार करवाना चाहिए, यानी उसकी जो फैमिली के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए उसी का नीड आपको तैयार करना है, जरूरत तैयार करवाना है, ताकि वो प्रोडक्ट ले जाए तो घर में और फैमिली में इस्तेमाल करे, तभी वो हमारे प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं दोस्तों पावर समझ पाएगा और आपको नेक्स्ट परचेज करने के लिए ऑर्डर भी देगा। अब दोस्तों मान लीजिए हमने उसको क्लोजिंग कर ली, ज्वाइनिंग करा दिया और उसको फर्स्ट परचेज भी करवा दिया, लेकिन दोस्तों यदि आप उसे ट्रेनिंग नहीं दिलाते हैं तो क्या आगे वो काम कर पाएगा? सवाल है, नहीं कर पाएगा। तब दोस्तों अगला हमारा स्टेप है वह है ट्रेनिंग, यानी चेतन सर के मिलेनियर मास्टर की ट्रेनिंग अपर हैंडसेट करके दिलवाना है, वहां तक हमें गेस्ट को पहुंचाना है। तो दोस्तों हम ये पहले समझते हैं कि ये ट्रेनिंग क्या है। चेतन सर का 21 साल का तजुर्बा इस ट्रेनिंग में है। यकीन मानिए जो मिलेनियर ऑफ मास्टर ट्रेनिंग ले लिया तो यकीन मानिए दोस्तों वो कामयाब हो जाएगा, इतना कमाल का ये ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर का 21 साल का तजुर्बा इस ट्रेनिंग में दोस्तों दिया गया है। यकीन मानिए ऐसे समझ लीजिए दोस्तों जो गन्ना से गन्ना के रस तक और अर्श से लेकर अर्श तक का इसमें पूरी ट्रेनिंग में दोस्तों तजुर्बा डाला गया है। अब बात आती है ये ट्रेनिंग हमें कहां कहां से मिलेगी, तो ये ट्रेनिंग आपको दो प्रकार से मिलेगी, पहला गेलवे कार्ड बीटी ऐप पर और दूसरा कंपनी के द्वारा प्रत्येक दिन इसके 5 सेशन चलाए जाते हैं। आप इसकी जानकारी आप अपने अपलाइन के द्वारा विस्तार रूप से ले सकते हैं जो आपको वहां से मिलेगी। अब दोस्तों ट्रेनिंग और कहां से ले सकते हैं, तो अगला ट्रेनिंग हम पावर हाउस से ले सकते हैं। पावर हाउस यानी कि यहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बीटी ऐप पर भी चेतन सर के पावर हाउस के ऊपर एक शानदार ट्रेनिंग उपलब्ध है। दोस्तों ट्रेनिंग एक रीढ़ की हड्डी का समान होता है जो दोस्तों आपको कामयाब करने में बहुत आगे पहुंचाता है, आगे आपको ले जाता है। आप जिस फील्ड में हैं उसके हीरो हैं, लेकिन आप हमारे कंपनी में कामयाब होने के लिए यहाँ की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। यदि आप गेलवे बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो अगला है दोस्तों ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। ट्रेनिंग दो प्रकार से ले सकते हैं, एक ऑफलाइन, ऑफलाइन में कैसे, अपलाइन के साथ या दो चार लोगों के साथ फोन पर और न्यूज़लेटर पे या प्रोडक्ट वाउचर से या गेलवे पत्रिका या कोई पीडीएफ के माध्यम से आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन का तो हमारे पास दोस्तों बहुत बड़ा सीखने का प्लेटफॉर्म है, पहला कंपनी का यूट्यूब चैनल ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, उसे आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्लेस की तरफ से जितने भी वीडियो होते हैं आपको मिलता रहे हर बार, और उस चैनल पे दोस्तों ग्लेस का बहुत सारे दिया हुआ है। अगला है दोस्तों कंपनी का यूट्यूब चैनल जैसे कुछ सर का है तो इस पे आप ले सकते हैं, या मोबाइल के आप दोस्तों कहीं ना कहीं ऐप्स के थ्रू जैसे बीटी ऐप डायरेक्टर सर के आप बीटी ऐप्स को
डायरेक्ट ट्रेनिंग सीख सकते हैं या गेलवे वेबसाइट से या जूम या स्काइप या व्हाट्सएप से। यानी दोस्तों जैसे अभी आप जूम पे ले रहे हैं, ये भी दोस्तों एक प्रकार के ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अलग अलग आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और यकीन मानिए ये क्लोजिंग एंड फॉलोअप का ये चारों स्टेप पूरा कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस में दोस्तों कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लोजिंग एंड फॉलोअप में सवाल के जवाब कैसे देने हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कैसे कराना है, फर्स्ट परचेज हमें उसका ऑर्डर कैसे लेना है और ट्रेनिंग तक कैसे पहुंचाना है और हम ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, आपको इस सेशन में दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लियर हुआ है तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों से आपके पास एक बहुत अच्छा और शानदार मौका है इस बिजनेस में कामयाब होने का, सक्सेस होने का। तो मैं उम्मीद करता हूं जो अभी हमने क्लोजिंग एंड फॉलोअप सेशन आपको समझाया है और जो क्लोजिंग एंड फॉलोअप सेशन का जो चार उद्देश्य थे वो भी आपको पूरा हो गया होगा, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें सवाल के जवाब कैसे दिया जाता है, हमें गेस्ट को कहां कहां से ज्वाइनिंग किस किस तरीके से कराते हैं, कौन कौन प्लेटफॉर्म से करा सकते हैं, हमें उसे पहला ऑर्डर कैसे लेना, ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम ट्रेनिंग कहां अटेंड कर सकते हैं वो आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग एंड फॉलोअप का ये चार पॉइंट को मैंने क्लियर किया जो क्लोजिंग एंड फॉलोअप में आपको समझाए जाते हैं और बताए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत बेहतर और बढ़िया से समझ में आया होगा। क्या आज की चीजें आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, सुपर, आपने हाथ करके खड़ा करके आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सब लोग इसका जरूर फीडबैक डालेंगे। बाकी आज मेरे साथ इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है जो सवाल आपको बताए गए उस जवाब से आपको भी संतुष्टि मिली होगी और आप भी आज के ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से समझे होंगे। बाकी दोस्तों मेरे साथ इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय गेलवे। आज की ट्रेनिंग को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो